आज हम लोग जानेंगे कि एप्लीकेशन के बारे में, ड्यू टू इलनेस या फीवर पे एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा और उसकी रूपरेखा क्या होगी, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी उनको स्कूल में अब्सेंट होना रहता है तो किसी न किसी बहाने एप्लीकेशन लिख करके मम्मी पापा से सिग्नेचर करवा के सेंड करवा देते हैं, डायरी सेंड करवा देते हैं। तो ये एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा आप लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, यदि आप जूनियर लर्न कर लीजिएगा, और जो बड़े बच्चे हैं आपको भी नहीं मालूम है तो इसको लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो शुरू करना है कि जो एप्लीकेशन है जनरली एप्लीकेशन है और बार बार ये हम लोग के दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, स्टूडेंट लाइफ में, दैनिक जीवन में बार बार इस एप्लीकेशन का उपयोग होता है। तो देखते हैं इसको कैसे लिखा जाएगा। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ड्यू टू इलनेस, आप प्रिंसिपल के पास आपको एक एप्लीकेशन लिखना है कि आप बीमार हैं, ठीक, इलनेस या फीवर, फीवर मीन्स बीमार होता है, इलनेस मीन्स बीमार होता है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, पहले लिखेंगे टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से लिखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल लिखेंगे, क्लास टीचर के पास लिखना चाहते हैं तो टू द क्लास टीचर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। और उसके नीचे उस स्कूल का नाम, जैसे मान लीजिए सनराइज पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक। अब एड्रेस डालिए, एनएसट 28 सुकरौली कुशीनगर, ठीक, एड्रेस हो गया। एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, स्कूल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, और प्रिंसिपल के नाम, क्लास टीचर के पास, क्लर्क के पास, डायरेक्टर के पास, जिसके पास लिखना है ऊपर उनका नाम हो जाएगा, नीचे स्कूल का नाम, उसके बाद नीचे सब, इसके नीचे थोड़ा सा लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे सर रिस्पेक्ट फुली आई बेग टू से दैट आई आई हैव बीन सफरिंग, यस यू सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, सो I can not attend the school. So I cannot attend the school because 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 reason भी दे सकते हैं, because the doctor has advised me to take 2 days rest, 2 days rest, so you grant me leave for 2 days. I shall be highly obliged you. I shall be, आपकी बहुत ही कृपा होगी, आपकी बहुत ही अनुकंपा होगी, your obediently योर ओबिडेंटली, यहाँ पे आप किसी का नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड यहाँ पे लिखा जाता है, एक्स वाई जेड का मतलब किसी का नाम और नीचे उसके क्लास, यानी जिस क्लास में हो, वह टेंथ में है, एलेवंथ में है, या जिस भी क्लास में रहेगा तो यहाँ पे उसका क्लास लिखा जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, ये जनरली एप्लीकेशन है जो बार बार आपके दैनिक जीवन में उपयोग होता है, छोटे बच्चे हैं या किसी भी स्टूडेंट के लिए जो जनरली उनको एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है इलनेस पे, फीवर पे,
तो ऐसे ही एप्लीकेशन लिखा जाएगा, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, टू द डायरेक्टर, टू द क्लास टीचर, जिसके नाम से, टू द मैडम, जिसके नाम से आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद नीचे स्कूल का नाम, उसके बाद एड्रेस स्कूल का डाल सकते हैं, उसके बाद सर, इसके नीचे थोड़ा स्पेस दे के यहाँ से लिखेंगे रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। फीवर मीन्स इलनेस, फीवर इज कल टू इलनेस, बीमारी से तात्पर्य है, सिंस लास्ट नाइट अर्थात पिछले रात से। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड, वो मुझे सलाह दे चुके हैं, मी टू टेक टू डेज रेस्ट, दो दिन के रेस्ट के लिए। सो यू ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, सो यू ग्रांट मी, आप स्वीकार करें दो दिन की छुट्टी। आई शैल बी हाइली अप्लाइज्ड यू, आपकी बहुत ही कृपा होगी, मुझ पर आपकी बहुत ही कृपा होगी, अनुकंपा होगी। योर ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, सिस होता है ना, एक्स वाई जेड, यहाँ पर जो भी हम नाम लिखना चाहते हैं, और नीचे क्लास लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा बहुत ही कम शब्दों में, और अच्छे से ये एप्लीकेशन आपके सामने आ गया। जिस एप्लीकेशन को लिख करके आप अपने डायरी के माध्यम से क्लास टीचर के पास सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास टीचर लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल के पास सेंड करेंगे तो प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, डायरेक्टर के पास सेंड करेंगे तो डायरेक्टर लिखना पड़ेगा। आप क्लास वन में हैं, टू में हैं, अर्थात किसी भी क्लास में हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए।